लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देखा था सेंट्रिफ्यूगल पंप का ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इम्पेलर एंड केसिंग और वर्किंग हेड। आज के क्लास में हमको क्लासिफिकेशन देखना है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इम्पेलर एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इम्पेलर, इसमें पहला है क्लोज्ड और श्राउडेड इम्पेलर। इसमें वेंस दो डिस्क प्लेट के बीच में फिक्स्ड होता है। इम्पेलर हैज़ इनक्लोज्ड एट द बैक एंड फ्रंट डिस्क। ये वेंस हो गया, जैसे हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये हो गया फ्रंट डिस्क, ये हो गया बैक डिस्क। तो वेंस जो रहते हैं दो डिस्क प्लेट के बीच में फिक्स्ड रहता है। इस टाइप के इम्पेलर मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे हैव ए लो NPSH रिक्वायर्ड। NPSH मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तो लिख देता हूँ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। दे हैव अ लो NPSH रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड ए मोर इफिशियंट फ्लो। ये बहुत इफिशियंट फ्लो प्रोवाइड करता है। दे आर द मोस्ट पॉपुलर इम्पेलर फॉर लार्ज पंप ट्रांसफरिंग क्लीन लिक्विड। लार्ज पंप में इस टाइप के इम्पेलर को यूज़ करते हैं ट्रांसफरिंग क्लीन लिक्विड एज दे आर प्रोन टू क्लॉगिंग वेन इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड। जब ये सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो सॉलिड को क्लॉगिंग कर लेता है। क्लॉगिंग मतलब होता है जमा करना, जमा कर लेता है और क्लीन वाटर को, बस क्लीन लिक्विड को ये ट्रांसफ़र करता है। इसको हम लार्ज पंप में यूज़ करते हैं। क्लोज्ड इम्पेलर जो रहता है मोर कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जैसे कि इसके डिज़ाइन हमने देखा था, और ये एक्सपेंसिव रहता है। इसका डिज़ाइन बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इस कारण ये क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा कंपेयर टू ओपन और सेमी इम्पेलर। बी है ओपन इम्पेलर। इसमें वेंस जो रहता है दोनों साइड से ओपन रहता है, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें कोई डिस्क प्लेट नहीं रहता है, जिसके कारण ये क्या रहता है, इस टाइप का ओपन इम्पेलर वीक रहता है और ये इनएक्सपेंसिव रहता है। इसको स्मॉल साइज पंप या स्मॉल डायमीटर पंप में यूज़ करते हैं। दे रिक्वायर्ड ए हायर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू ऑपरेट विदाउट कैविटेशन डैमेज एंड लॉस ऑफ इफिशियंसी। सी है हमारा सेमी ओपन इम्पेलर। इसमें वेंस एक साइड से डिस्क प्लेट से कवर्ड रहता है और दूसरे साइड से ओपन रहता है। ये बैक साइड है जहाँ पे डिस्क प्लेट लगा हुआ है और फ्रंट साइड से ये ओपन है। इसको इस डायग्राम में भी देखते हैं, ये हमारा डिस्क प्लेट है, बैक साइड में लगा हुआ है और इसके ओपन ऊपर साइड में कोई डिस्क प्लेट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इम्पेलर। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज्ड इन मीडियम साइज पंप। मीडियम साइज पंप में इसको यूज़ किया जाता है। सेमी ओपन इम्पेलर है वह बैक वाल श्राउड डैट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द वेंस। इसके बैक साइड में जो डिस्क लगा रहता है ये वेंस को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे हैव अ मीडियम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड मीडियम इफिशियंसी। इसका जो NPSH और जो इफिशियंसी रहता है ओपन इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर के बीच में रहता है। ये हमारा डायग्राम है ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो पहला है लो स्पेसिफिक स्पीड। इसमें स्पीड किसके किसके बीच रहता है, 10 से 80 के बीच रहता है। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड में स्पीड 80 से 160 के बीच में रहेगा और हाई स्पेसिफिक स्पीड में स्पीड है 160 से 500 के बीच में रहता है। आज के क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ पंप और टाइप्स ऑफ इम्पेलर। नेक्स्ट क्लास में इसका और कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको देखना है, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।